जुजु पत्रुत्रु अपना बुरी बदल कहाँ है? हाँ, अपना पूरा बुरी बदल यहाँ में है। YTF यहाँ में सब में देखा है, मानिकपुर YTF करके लगा के रखा है। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए अपना तिप्रसा वॉरियर्स को। 4 बजे हेलीकॉप्टर है, लेकिन हेलीकॉप्टर थोड़ी देर इंतजार कर सकता है ना, इंतजार करना चाहिए। आप लोग इतना देर से हमारा इंतजार कर रहा था, तो बुबाग्रा आपके लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकता, एकदम कर सकता। बोला थानसा थानसा ओनली, थानसा रहेगा। थानसा तोड़ने के लिए बहुत लोग अगरतला में षड्यंत्र कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है अपना बुकुंगबारा का, नारबुंग का, हम लोग का थानसा तोड़ने के लिए अगरतला में प्लानिंग हो रहा है कि थानसा तिप्रासा का तोड़ो। अगर तिप्रासा का थानसा रहा तो ग्रेटर तिप्रलैंड मिल सकता है, इसके लिए थानसा तोड़ने का बहुत प्लानिंग हो रहा है। इंडिया में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो बुबाग्रा को खरीद सके, तो आपको चिंता का बात नहीं। ये लोग थानसा कैसे तोड़ेगा? रंग देके, पैसा देके, ताका देके, आने दो इन लोगों को चामलों में, ब्रीफ केस लेके आने दो, रुपया रंग ले लो आप लोग। उनका बाप का पैसा नहीं है, हम लोग का हाथ से लेके लिया है लोग ने। उनका रंग लो, अपना पॉकेट में रखो। लेकिन 2023 में जब वोटिंग होगा तो वोटिंग तिप्रा मोथा को करो। ये इनको लगता है कि हम लोग बुकुंगबारा लोग बेवकूफ है। इनको लगता है कि बुबाग्रा को राज्यसभा देगा तो बुबाग्रा खुश हो जाएगा। उनको लगता है कि बुबाग्रा को थोड़ा सा पोस्ट दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, बुबाग्रा खुश हो जाएगा। बुबाग्रा को ना पैसा चाहिए, ना पोस्ट चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए, ना मंत्री बनना है, ना एमपी बनना है। बुबाग्रा को सिर्फ अपना तिप्रासा के लिए ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए। छावनो 2013 में नेशनल पार्टी फाइट किया छामनो से, 2018 में फिर से नेशनल पार्टी फाइट किया, करम छरा से फिर से डीसी रंगखोल, पहले कांग्रेस से जीतता था अब बीजेपी से जीतता है, यहां में सीपीएम जीतता था या फिर बीजेपी जीता है, अम्बासा से परिमल देव वर्मा बीजेपी से जीता है। बुबाग्रा आप सबको बोलने वाला है, यहां देखो 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 देखो, यहां में देखो, वहां में मत देखो, यहां में देखो। 2023 में छामनु से नेशनल पार्टी फाइट नहीं करेगा, तिप्रा मोथा फाइट करके आंचलिक पार्टी फाइट करेगा। और यहां से, यहां में हमारा दारलोंग लोग है, हालम लोग है, रंगलोंग लोग है, चोरई लोग है, हम आपको बोल रहे हैं पानी सागर से भी तिप्रा मोथा फाइट करेगा। पानी सागर में रेडी हो जाओ, आप लोग सुरमा में रेडी हो जाओ, आप लोग पेछारतल में रेडी हो जाओ, करमछरा में रेडी हो जाओ, अम्बासा में, रहमा वैली में, पूरा 35 का 35 सीट में तिप्रा मोथा फाइट करेगा। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये लोग आज इतना बड़ा मंत्री बन गया है, ये लोग आज एमएलए बन गया है। किसका वोट से हमें बना है एमएलए? किसका वोट से? आप लोग ने वोट दिया है, आप लोग ने वोट दिया है। आज ये लीडर लोग, ये नेता लोग आपका वोट से, आपका वोट से,
नेता बन गया, जिसके पास घर नहीं था आज अगरतला में तीन तीन बिल्डिंग घर बन गया है, जो साइकिल नहीं चला सकता था, जो स्कूटर में था आज पांच पांच गाड़ी है अगरतला में इन लोगों के पास। आज आपका बच्चा बांग्ला मीडियम में पढ़ता है, उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ये नेता लोगों का, आपका वोट से ही लोगों आज सब मिलाई है। और पांच साल से क्या बोल रहा है असेंबली में? चुप, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका वोट ने उनको नेता बनाया, लेकिन वो अगरतला में बैठकर आपका बात नहीं करता है, दिल्ली से आकर बोलता है मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी ने वो बोला, आके मानिक सरकार ने ये बोला, सीताराम येचुरी ने ये बोला, कोई आके बोलता राहुल गांधी ने ये बोला। अरे आपको किसने बनाया है? आपको तिपरासा ने बनाया है। अपना दोफा का संग आप गद्दारी कर रहा है, अपना जाति का संग आप गद्दारी कर रहा है, आप झूठ बोल रहा है अपना जाति को। आज यहां में प्रत्योत विक्रम मानिक के यहां में लड़ा है, खड़ा है आपका संग रहने के लिए। अरे नहीं सोचा, आज भी जो लीडर लोग बोलता था इल्लीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, आज चुप हो गया है। आज यहां से अच्छा मनुष्य बुबाकरा बोल सकता है इल्लीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, आप लोग क्या करेगा? हम लोग बोल सकता भी। आज भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग CAA NRC के लिए फाइट कर रहा है। आज भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और ये नेता लोग आपका वोट से आया, किसी ने बोला पिपरा लैंड, हताई कतौर में रोड ब्लॉकेट किया पिपरा लैंड, चार साल से असेंबली में चुप बैठे। हम लोग एक साल पहले ADC में आया, आज भी हम लोग ग्रेटर तिपरा लैंड बोल रहे हैं, चुप नहीं बैठा है। हम लोग ने कहीं चुप नहीं बैठा है। आज पावर में आने के बाद भी हमने अपना सिद्धांत आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज भी हम लोग ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे फाइट कर रहा है। हम लोग को ग्रेटर तिपरा लैंड दे दो, आप 70 साल तक डेवलप नहीं कर सका हम लोग का तिपरासा को। हम लोग को सिर्फ एक साल दो, हम लोग को ग्रेटर तिपरा लैंड देके हम लोग डेवलप करता है, ऐसा करके डेवलप करता है। डेवलपमेंट के लिए आपको पोस्ट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आपके अंदर दिल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपना तिपरासा के लिए। ये लोग, इनके मन में सिर्फ पैसा कमाओ, कॉन्ट्रैक्टर से ये करो, ये करो, वो करो। हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, करना चाहिए। कोई हमको आज फोन करके बोला बुबाकरा, अगर BJP बोलता है कि ग्रेटर तिपरा लैंड मत डिमांड करो, लेकिन हम लोग आपको 20 सीट दे देगा, तो अलायंस करना चाहिए, करना चाहिए। आप लोग बोलो करना चाहिए। हम लोग का फुल एंड फाइनल गोल है ग्रेटर तिपरा लैंड। जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन हम आपको अच्छा मनु में एक बात बोलने वाला है। पूरा जिंदगी नौकरी करके, गुलामी करके, नौकर बन के रहने से अच्छा है एक बार सैंकड़ा खोकर 2023 में हम लोग पिपरासा लोग फाइट करेगा। भीख मांगने से अच्छा है कि एक बार अपना संविधान का जो अधिकार है वो छीन के आप लोग लो, क्योंकि अगर ये टाइम हम लोग एक नहीं हुआ, ये टाइम थानसा नहीं हुआ, तो हम लोग का तिपरासा लोग जो एक टाइम 90% था, 80% हुआ, 70% हुआ, 60% हुआ, आज हम लोग सिर्फ 30% है। अगर हम लोग ने 2026 तक पहले तक डिलिमिटेशन के पहले तक हम लोग ने अपना अधिकार हम लोग को नहीं मिला, तो हम आपको बोल रहे हैं ना रहेगा बुबाकरा, ना रहेगा तिपरासा, हम लोग खत्म हो जाएगा। आज इसके लिए आप सबको मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि एक बार जिंदगी में फाइट करो, एक बार जिंदगी में अपना पावर दिखाओ। और
जैसे अनिमेश ने बोला, मोदी जी हम बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर एक अधिकार बनता है, ये अधिकार आप हमको दीजिए। आज अगर ये लोग बोलता है कि बुबागरा ने बोला ग्रेटर पिपरलैंड तो देशद्रोही, आज हमको बोलता है देशद्रोही। अरे ये लोगों को इतिहास भी मालूम नहीं, हमारा दादी कंचन प्रभा देवी ने पूरा त्रिपुरा हिंदुस्तान को दिया है, उसका नाती देशद्रोही नहीं, अपना हाथ से प्यार करता है, अपना तिपरा सा से प्यार करता है। मैं भी रेडी हूँ देश का तिरंगा लेकर जाने के लिए, मैं भी रेडी हूँ। आज अगर बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आएगा तो कौन हमारा हिंदुस्तान को सुरक्षा देगा? हम लोग का बुकुम बारा लोग सीमा में बॉर्डर में खड़ा होकर अपना पीपरा सा के संग रहेगा। आज ये जमीन को, ये हाँ को हम लोग पीपरा सा से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है? ये हानी भूसा, हम लोग हानी भूसा है।